तो आज मैं आप लोग को अनकंफर्टेबल फील कराने आया। तो आज की पूरी वीडियो रहने वाली है सुसाइड पे, डेथ, आत्महत्या, दैट्स व्हाट्स हैपनिंग अराउंड अस। ओके, तो ये जो वर्ड है ना आत्महत्या, तो ये बड़ी गलत लाइन है भाई, क्योंकि आत्मा की हत्या कभी होती ही नहीं है। हमारा जो शरीर है वो मरता है, आत्मा को कभी मारा नहीं जा सकता। आत्मा अमर है, आत्मा अजर है, इसे कभी नष्ट किया नहीं जा सकता, क्योंकि नष्ट उसी चीज़ को किया जा सकता है जो चीज़ बनती है, और आत्मा ना बनती है ना उसको पैदा किया जा सकता है। और शास्त्रों के अनुसार आत्मा या चेतना उस परमेश्वर के विराट का एक अंश है। ये आत्मा केवल शरीर बदलती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था भगवद गीता में, अगर कुछ लोग को पता रहेगा तो, कि आत्मा शरीर बदलती है ना, वो कभी मरती है ना उसे पैदा किया जाता है। तो अभी हम लोग बात करने वाले व्हाट हैपेंस आफ्टर यू सुसाइड। तो ये जानकारी मैंने कहाँ से हासिल की, ये सब मैं वीडियो के एंडिंग में तुम लोग को बता दूंगा। सबसे पहली बात तो जो लोग भी सुसाइड करते हैं, वो लोग ये सोच के सुसाइड करते हैं कि जिस भी परेशानी से मैं गुजर रहा था वो परेशानी चली जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। पर वो बहुत ज़्यादा गलत है कि जो पीड़ा सुसाइड करने वाले को सहनी पड़ती है बहुत तकलीफ़दे है। मैं तुम लोग को बयान नहीं कर पा रहा, पर बोलते हैं ना कि जब तक जिंदा थे अगर वो तकलीफ़ झेली होती तो अच्छा रहता, मरने के बाद जो तकलीफ़ होती है सुसाइड करने के बाद वो बहुत होती है, मतलब 10 times ज़्यादा। ऐसा भी बोला जाता है कि दूसरों की हत्या करने से ज़्यादा जो गुनाह है वो खुद की हत्या करने पर। और देखो, तुम लोगों ने ये सृष्टि नहीं बनाई तो तुम लोग ये नष्ट भी नहीं कर सकते। तो सुसाइड करने के बाद ज़िंदगी और भी मुश्किल होती है। तुम लोग का जो पृथ्वी से जो कनेक्शन है, सबसे पहले तो वो कनेक्शन टूट जाता है सुसाइड करने के बाद, और एक नए जीवन की पीड़ा सहनी पड़ती है। मनुष्य योनि के बाद प्रेत योनि में भटकना पड़ता है। देखो, बॉडी के 6 चक्र होते तो मैं यहाँ पर लगा दूँगा, बट जो सुसाइडल डेथ होती है ना, जो भी सुसाइड करके जिनकी मृत्यु होती है उनकी जो चेतना आत्मा रहती है वो लोअर मोस्ट चक्र से, मतलब मणिपुरा चक्र या फिर वही, मतलब लोअर मोस्ट चक्र से बाहर निकलती है, शरीर के बाहर निकलती है आत्मा, और उसमें बहुत तकलीफ़ होती है और बहुत पीड़ा सहनी पड़ती है। देखो क्या होता है पता है, अभी कोई खुशी खुशी तो सुसाइड थोड़ी ना करेगा, आज मैं खुश हूँ चलो सुसाइड कर लो, वो किसी पेन में रहेगा या फिर उसको टेंशन रहेगा, करियर का टेंशन, एग्ज़ाम में फेल हो गया इसका टेंशन रहेगा, इसलिए वो दुखी होके ही सुसाइड का इतना बड़ा कदम उठाएगा। तो जब वो सुसाइड करता है तो फिर वो नेगेटिव सोल्स रहती है, दुखद अवस्था में उसने जो सुसाइड किया रहता है तो फिर वो उसी फ्रीक्वेंसी वाले सोल्स को अट्रैक्ट करेगा, मतलब जो नेगेटिव रहती है, जो भूत प्रेत वाले आत्माएं रहती है, उन्हीं सोल्स को मतलब उन्हीं सोल्स को वो बुलाएगा। और सुसाइड मतलब जैसे ही आत्मा शरीर से अलग होने के बाद उसे वो बुरी जो भी बुरे सोल्स है वो दिखाई देंगे, और वो और तकलीफ पहुँचाएंगे उसको, बहुत टॉर्चर, मतलब बोलते हैं ना कॉलेज में जैसे फ्रेशर्स को हम लोग रैगिंग, हम लोग नहीं मतलब फ्रेशर्स को जैसे रैगिंग करा जाता है, उससे भी भयानक पीड़ा से कभी कभी कुछ आत्माओं को गुजरना पड़ता है। देखो, मृत्यु के भी 2 भाग है, एक होती है काल मृत्यु और एक होती है अकाल मृत्यु। तो काल मृत्यु में क्या होता है कि काल मृत्यु में मतलब ये निसर्ग भी तैयार होता है कि हाँ तुम्हारा टाइम आ गया है, हम आपको लेने आ रहे हैं, अब मतलब टाइमली डेथ बोलते जिसे, मतलब 80 साल हो गए वही समझ गए ना, तो जिसको हम टाइमली डेथ बोलते हैं ना वो, उसे कहते हैं काल मृत्यु। टाइमली डेथ होती है उसमें इतनी ज़्यादा पीड़ा नहीं सहनी। अकाल मृत्यु मतलब मानो कोई एक्सीडेंट से किसी की डेथ हो गई, या फिर अभी तो बीमारी चल रही है कोरोना, इतना मतलब उससे पीड़ाओं के मृत्यु हो गई, या फिर सुसाइड भी आता है तो सुसाइडल डेथ भी अकाल मृत्यु में क्या मानी जाती है। अकाल मृत्यु मतलब अनटाइमली डेथ मतलब कुदरत अभी तक तैयार नहीं है तुम लोग को अपने पास, मतलब इस पृथ्वी से जाने को बोलने को वो तैयार नहीं है, क्योंकि कुदरत ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच के रखा है इन फ्यूचर, कुछ प्लान करके रखा है उन्होंने आपके लिए इन नियर फ्यूचर। अभी वो तकलीफ़ दे रहा है तो ये नहीं कि मतलब सालों साल तकलीफ ही दे, कुछ अच्छा प्लान करके रखा है। अगर आप लोग कुदरत के खिलाफ जाओगे तो फिर आपको बहुत पीड़ा सहनी पड़ेगी, मतलब पेन होगा,
तकलीफ होगी। तो लेट मी गिव एन एग्जांपल, अगर एक बंदे को भेजा गया कि 80 साल के लिए जीना है, तो 80 साल का ये जो चक्र है और उसने 20 साल की उम्र में सुसाइड कर दी, तो सुसाइड करने के बाद वो मनुष्य योनि से तो उसका संबंध टूट जाएगा, तो वो प्रेत योनि में भटकता रहेगा। तो वो प्रेत योनि में भटकता रहेगा, तब तक भटकता रहेगा जब तक उसकी जो मतलब जितने टाइम के लिए, जितने समय के लिए भगवान ने भेजा था उसके लिए, वो कंप्लीट हो ना जाए, तब तक वो धरती पर ही रहेगा, भटकता रहेगा, अपने अपने लोगों के सपनों में आएगा, सपनों में आके परेशान करेगा कि मुझे तकलीफ़ हो रही है। आप देखो मतलब समझ गए ना। और सुसाइड करने के बाद अगर कोई 80 साल तक के लिए एक को भेजा गया और वो 20 साल की उम्र में सुसाइड करता है, तो वो 80 का 800 भी हो सकता है और 8000 साल भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके कर्मों पे, आपने कितने अच्छे काम किए। तो फिर तब तक के लिए ये जो भी फ्रीक्वेंसी मतलब नेगेटिव वाइब्स वाले नेगेटिव सोल्स रहते हैं, वो टॉर्चर करते रहेंगे, वो लोग इंसिस्ट करेंगे कि तुम इसकी वजह से मर रहे हो, तुम उसकी वजह से मरो, उससे बदला लो। और ये जो ब्लैक मैजिक तांत्रिक वांत्रिक करते ना, तो फिर वो वैसे करते हैं भाई, वैसे ये सच है भाई। बहुत लोगों को बिलीव नहीं होने वाला मुझे पता है, बट जब उनका भी टाइम आएगा ना, तब मेरी बातों का शायद यकीन करें। स्पेशली जो नॉन मेडिटर्स है, जिनको स्पिरिचुअलिटी है कुछ, स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ पता नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है, वो लोग क्या बोलते हैं, डेथ से बहुत मृत्यु से बहुत ज़्यादा डरते हैं उन लोग को, क्योंकि मोह होता है भाई उन लोग को, अच्छे कपड़े पहनने का मोह, या फिर तुम्हारे क्या बोलते हैं उसको, अच्छी गाड़ी, घूमना फिरना, इन सब मटेरियलिस्टिक थिंग्स से ना तुम उनको प्यार हो जाता है, इसलिए वो मरने से भी डरते हैं। तो सुसाइड के बाद क्या वो स्पिरिट वर्ल्ड में वापस जा सकता है वो वाली आत्मा? तो देखो जा तो सकता है, देखो हर चीज़ मुमकिन है। तो वो कैसे जा सकता है? देखो बहुत सारे ही अलग अलग पूजा रहती है, तो मनुष्य को दूसरा शरीर मिलने की संभावना बहुत कठिन है। सुसाइड अगर अकाल मृत्यु से मतलब सुसाइड से वगैरह मरे, तो बहुत कठिन है कि उसको दूसरा शरीर मिले ना मिले। और दूसरा शरीर अगर मिलेगा, तो फिर वो इंसान का शरीर नहीं मिलेगा, वो किसी जानवर का शरीर मिलेगा, क्योंकि उसने सबसे बड़ा पाप किया है खुद को ख़त्म करके, इसलिए उसको कभी इंसान का शरीर नहीं हासिल होगा। और देखो, और अगर काल मृत्यु की हम लोग बात करें, तो काल मृत्यु में जब एक उम्र हो जाने के बाद कोई जाता है, तो तुरंत ही 2-3 दिन के अंदर मिल जाता है, या फिर 10वें दिन या फिर 13वें दिन मिल जाता है दूसरा शरीर, इसलिए हम लोग 10वां और 13वां मनाते हैं। तो क्या होगा अगर किसी ने सुसाइड किया हो और उसको स्पिरिट वर्ल्ड में जाना है, मतलब जो एंजल्स है उनके पास जाना है, तो फिर क्या हो सकता है? तो यार हो तो सकता है, बट उसके लिए बहुत अलग अलग प्रकार के पूजा अर्चना, बहुत बहुत लंबी प्रोसेस है वो, बहुत बहुत तकलीफ होगी फैमिली वाले को, उठानी पड़ेगी रोज़ पूजा ये वो, फिर वो तुम्हारे सपनों में आके तुम लोग बोलेंगे हाँ अब मैं ठीक हूँ। कभी कभी होगा और कभी कभी नहीं होगा, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्पिरिट वर्ल्ड में वापस जाए, मतलब वो एंजल्स के पास वापस जाए, देवताओं के पास वापस जाए, ज़रूरी नहीं है। अगर आपके मन में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि भाई कुछ भी नहीं है अभी, कुछ भी नहीं बचा है, तो भाई मैं तो यार फैमिली वाले से तो मैं बोल नहीं सकता कि फैमिली को जाके बोलो, बिकॉज जनरेशन गैप आ जाता है यार, मैं खुद में कुछ बताता नहीं मेरी फैमिली को। बट एक मैं चीज़ बोल सकता हूँ, किसी अपने एज के बंदे को कुछ शेयर करके देखो, या फिर मुझे मैसेज करो। सॉरी चाहता हूँ अगर मैं तुम लोग को रिप्लाई टाइम से नहीं कर पाता, बट मैं कोशिश पूरी करता हूँ और ऐसे वीडियोज़ बनाता हूँ, ठीक है? और एक बात जान लो, अगर तुमने सुसाइड कर लिया तो तुम बहुत बड़ी गलती करोगे यार। तुम मतलब जो देवता भी होते हैं ना, वो मनुष्य के शरीर को पाने के लिए लिटरली मरते हैं, वो मतलब उनको मनुष्य का शरीर चाहिए रहता है। सुसाइडल डेथ के बाद भी आत्मा को भूख लगती है, आत्मा देख सकता है,
और आत्मा अपना पेट कैसे भरेगा, सूंघ के वो स्मेल कर सकता है और उसका पेट भर जाता है। तो यहाँ वहाँ हमेशा भटकती रहती है खाने की तलाश में। मोस्टली वो घर में ही भटकती है क्योंकि अपनों का घर है। तो बस ये एक है कि वो टच नहीं कर सकती, वो फील नहीं कर सकती, टच नहीं कर सकती, बस देख सकती है और सूंघ सकती है। और मैं तो यही बोलूँगा कि जितने अच्छे काम, अच्छे कार्य जो कर सकते हो आप उतने अच्छे कार्य करो, हमेशा मदद करो। और दूसरों के प्रति जितनी भी जो खेद रहेगी, क्रोध रहेगा, उसको सब मिटा दो। जब तक मतलब अभी जो भी हुआ पास्ट में उसको सब भूल के अभी सब अच्छा बनने लगो। जब अभी अगर आप लोग अच्छा बनोगे तब आपको जाके इतनी पीड़ा सहनी नहीं पड़ेगी जितनी एक जितनी एक हिटलर का मैं एग्जांपल लेता हूँ, एडॉल्फ हिटलर या फिर कसाब ले लो, उन लोग को इतनी पीड़ा सहनी पड़ेगी ना, मतलब ऐसे लगता है कि अभी भी वो भटक रहे ही रहेंगे। क्योंकि ऐसी वाले दुष्ट आत्मा को जन्मों जन्मों मतलब 100-150 साल तक मतलब शरीर मिलता ही नहीं है, और मिलेगा फिर भी एक जानवर का मिलेगा। और जब भी शरीर मिलेगा उसकी जो पुरानी पुरानी जो याददाश्त है वो भुला के न्यू बॉर्न होती है, ठीक। और हम लोग हमारे पास्ट में क्या हुआ था, पिछले जन्म में क्या हुआ था वो भी जान सकते हैं। वो धीरे धीरे मैं तुम लोग को बताऊंगा। अभी एक साथ मैं तुम लोग को सब बता दिया तो फिर सब ऊपर सर के ऊपर से जाएगा, ठीक है। मैं पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ। इसी के साथ हम लोग आज की वीडियो इधर ही ख़त्म कर देते यार। कमेंट करके जाना यार ये तुम लोग को वीडियो कैसी लगी। मैं ऐसे और भी राज खोलूँगा इन नियर फ्यूचर। यार बहुत पसीना आ रहा है यार मुझे, इतनी मेहनत उठा है। तो प्लीज़ तुम लोग लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करके जाना, बिकॉज वी नीड मोर स्मार्ट पीपल लाइक यू। ऐसी और वीडियोस बनाते जाऊँगा मैं। देखो जो भी हो रहा है सुशांत सिंह राजपूत के साथ, या फिर बीच में अभी रिसेंटली सिया कक्कर, उन्होंने भी सुसाइड किए, तो उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। और ये स्टेप बिल्कुल मत उठाना भाई, देखो बहुत बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। इससे अच्छा आपको लगेगा कि भाई वो जो मनुष्य के जीवन में था मैं वही कितना अच्छा था भाई, ठीक है। तुम्हारे हाथ पैर सब सही सलामत है, मतलब तुम समझ गए ना भाई। मैं ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, पता नहीं कितने लोग देखेंगे। पर हाँ, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और इंस्टाग्राम पर ऐड करो, मैं उधर भी बहुत सारी चीज़ें डालते रहता हूँ, ठीक है।